तिरथेस। उर्दभाई स्वामी के शासन में हम शहीद रहते हैं। तीर्थंकर जैन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषो जगत कल्याणी है। ईश्वर भग्य शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग सुवर्ण संस्कृति। भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संसार भ्रमण गमनम कुड़ंता अराहणुण जुण धम्मो तीर बिना बरम दुखम पत्तों से अड़ंत वाराय। कल्याण आलोचना ग्रंथ में ग्रंथकर्ता कह रहे हैं संसार भ्रमण गमनम द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव ये पंच प्रावर्तन है। ये पांच प्रावर्तन परिवर्तन जिनमें संशरण होता रहे भ्रमण होता रहे परिवर्तन होता रहे उसका नाम परावर्तन। और कितना परावर्तन किया है जीव ने द्रव्य एक परमाणु से लेकर के मां स्कंद तक संपूर्ण द्रव्य को उसने भोग डाला। कोई ऐसा परमाणु नहीं छोड़ा जिसका भोग न किया। सर्वम में संपूर्ण रूप से जितना द्रव्य था सर्वम पुगला खलु कमस भुक्तोर जीवने असही अनंत गुत्तो पुद्गल पर्यट संसारे। ये पुद्गल प्रावर्तन संसार है। एक परमाणु का भोग किया ऐसे भोगते भोगते जीव ने संसार का प्रत्येक द्रव्य का भोग कर डाला। क्रम से और क्रम भंग हुआ तो गिनती के बाहर गया। माना कि एक अंश एक परमाणु इसका भोग किया इसके बाद दूसरे परमाणु का इसके बाद तीसरे परमाणु का। अब ऐसे इस पृथ्वी पर मध्य लोक में इन तीन लोक में जितने परमाणु हैं सब कुछ ने भोग डाला। एक जीव ने सब भोग डाला। कितनी बार जन्म मरण किया आपने ऐसा कोई वस्तु अवशेष नहीं है जिसका भोग न किया हो आपने। कोई भी नया नहीं है कुछ भी नवीन नहीं है। पर्याय बदल रही है वस्तु वही है। मुक्तुता मूर मोहान मया सर्वे पुद्गला उच्चिष्ट तेषमद मम विज्ञस का स्प्रहा। अब तुम्हें क्या स्प्रह कर रहे हो क्या इच्छा रख रहे हो क्या उत्साहित कर रहे हो। जो तुमने पिया है वही बाहर निकला है वही नाली में पहुंच करके नदी में पहुंच गया। मित्र फिल्टर होकर के तुम्हारे गिलास में फिर से आ गया। तुमने नया क्या पिया है जो तुमने खाया है वही छूट गया वही पुनः खेत में खाद बन गया वही मित्र पुनः थाली में आ गया। तुमने क्या नवीन खाया कुछ भी नहीं छोड़ा क्रम से सब भोग दिया। पुद्गल प्रावर्तन निद्रो प्रावर्तन एक एक बलिष्ठ भूमि के लिए भाई भाई से लड़ रहा है। एक एक बलिष्ठ भूमि के पीछे पिता पुत्र को मार रहा पुत्र पिता को मार रहा है बेटी माँ को मां झगड़ रही है
माँ बेटी से झगड़ रही है, पति पत्नी से झगड़ रहे हैं, रिश्ते नष्ट हो रहे हैं, संबंध टूट रहे हैं, किसके पीछे? जमीन, जमीन है मित्र। किस जमीन के तुम लड़ रहे हो? जमीन तो आज तक किसी की हुई नहीं, भूमि सागर किसी की नहीं हुई, भूपति होके मर गए, भूमि वही है जहां थी। बड़े बड़े भूपति हुए हैं, आज जो वस्तु पहाड़े जी आपके हाथ में है, कल दूसरे के हाथ में आ गई, जो दूसरे के हाथ में थी आज आपके हाथ में आ गई। ऐसा मोह कह रहा है, ऐसा मोह कह रहा है, पर जमीन तो जहां थी वही है। आपस में तुम एक ने खरीदी एक ने बेची, पर जमीन ये कह रही थी मैं तो जो हूं सो। पृथ्वी तो हिली नहीं, वो तो जाती हुई है। अपना अपना स्वामित्व कहकर के व्यक्ति अहंकार में डूबता रहता है, परंतु अहो स्वामियो तुम चले जाओगे, भूमि वही रहेगी। कोटि कोटि स्वामी इस भारत की भूमि में हो चुके हैं, पर एक भी स्वामी, एक परमाणु मात्र भी पृथ्वी को अपने साथ लेके नहीं जा सका। अब एक जीव ने इस प्रदेश पर जन्म लिया, यहां जन्म लिया, प्रथम समय में, द्वितीय समय में वहीं पर पुनः जन्म लेना चाहिए था, अगले प्रदेश पर। यदि उसने अन्य स्थान पर जन्म ले लिया तो गिनती के बाहर चला गया, तो गिनती नहीं होगी उसकी। क्रम से दूसरे प्रदेश में जन्म लेना चाहिए था, जैसे कि एक एक उत्सपनी के प्रथम समय में जीव ने इस प्रदेश पर जन्म लिया, ठीक है, तो दूसरी उस पूरा समय निकल जाना चाहिए। दूसरी उत्सपनी आएगी जब, तो उसको दूसरे प्रदेश में जन्म लेना चाहिए। ऐसे काल बदलते बदलते जीव भ्रमण करता रहा करता रहा, जब पूरे लोक के प्रदेशों पर जन्म मरण कर लेगा तब एक इसका क्षेत्र परावर्तन होगा, पूरा एक क्षेत्र परावर्तन। किस प्रदेश के लिए तुम लड़ रहे हो? रवि तो एक मोबाइल पकड़े हैं, वो उसी में खुश है, बोले विश्व में चला जाऊंगा। ओहो हो, जिनसेन जी एक मठ पकड़े हैं, वो सोचता मैं यही मैं विश्व का सम्राट हूं। हे मित्र, एक एक प्रदेश पर जीव ने जन्म मरण किया है, पूछना करुणानियोग से। सर्वासिद्धि में पंच पुरातन की व्याख्या है, भाषण प्रेक्षा ग्रंथ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जो है पंच पुरातन की पांच गाथाएं लिखी हुई है, कार्तिक प्रेक्षा ग्रंथ में, लोकानुप्रेक्षा में, संसार अनुप्रेक्षा में, संसार अनुप्रेक्षा में बहुत विस्तार के साथ पंच प्रधान की व्याख्या की है। कहां पर? लोकान संसार अनुप्रेक्षा। तो मतलब एक एक प्रदेश पर जन्म लिया और तुम किस भूमि प्रदेश पर लड़ रहे हो? मुझे ये चाहिए है। ऐसा कोई लोक में बबलू जी प्रदेश नहीं छोड़ा इस आत्मा ने जहां जन्म मरण ना किया हो, कौन सी भूमि तुम्हारे साथ रही? क्रम से क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन। इस जीव ने एक अवसर्पणी के प्रथम काल में जन्म लिया और पूरे जन्म मरण करता रहा। अगली उत्सर्पणी आएगी, उसके द्वितीय समय में जन्म लेना चाहिए। एक उत्सर्पणी में जितने समय होंगे उतने बार वह जीव क्रम से जन्म मरण करेगा। फिर अवसरपणी आएगी, अवसरपणी में जितना समय होगा उतने समय प्रमाण काल तक
क्रम से जन्म मरण करेगा और कहीं क्रम भंग हो गया तो गिनती के बाहर जाएगा। जैसे कि उदाहरण, एक व्यक्ति ने एक घंटे में कितने मिनट वीर, 60 मिनट, ठीक है। अब 60 मिनट हैं, एक जीव ने 60 मिनट एक किसमें, घंटे में, चलिए एक मिनट में बेटा असंख्या समय, एक मिनट में आपके नेत्रों का पलक ऊपर से नीचे हुआ, ये एक निमेश कहलाता है। ये क्या निमेश, इस एक निमेश में असंख्या समय हो जाते हैं। अब समय की परिभाषा समझिए, एक पुद्गल परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गमन करता है, जितना काल लगता है वो एक समय, एक समय। दूसरी प्रवाह सुनिए, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु ऊपर से आ रहा है 7 राजू से, एक पुद्गल परमाणु नीचे से आ रहा है 7 राजू से, और दोनों के क्रॉसिंग करने में जो काल लगा वो एक समय। तीसरी प्रवाह सुनिए, एक शुद्ध पुद्गल परमाणु एक समय में 14 राजू गमन कर लेता है, बराबर 14 राजू। एक शुद्ध जीव एक समय में 7 राजू ही गमन कर पाता है, लेकिन एक पुद्गल परमाणु शुद्ध परमाणु एक समय में 14 राजू गमन करता है, एक समय। ऐसा एक जो समय है, जो समय है उस समय जो है एक मिनट में असंख्या समय हो गए। जीव ने एक एक घंटे में जितने समय होंगे ऐसे प्रथम समय में जन्म लिया, क्रम क्रम से उस एक घंटे में जितने समय पूरे समय पूर्ण करेगा, ऐसे उत्सर्पणी अवसर्पणी बीत जाए असंख्या अनंत काल बीत कर लेगा जीव। तभी जीव एक काल परिवर्तन पूरा करेगा, एक काल परिवर्तन। अब सोचिए किसी व्यक्ति को जिन्हें सिर्फ काली कोठरी में डाल दिया जाए, उससे कहा जाए कि तू 5 साल के यहीं पड़ा रहना, बिलक की मर जाएगा। यानी हम संसार में कब से पड़े हैं, बिलखन ही नहीं हो रही है। पाप से डर लगने जाए, पाप भी तेरियत पाप से भयभीत होने लग जाए तो जी पाप करने का मन ना करे, क्या दशा प्रणामों की। समझ रहा है जान रहा है फिर भी कोठरी बंद करके पाप कर लेता व्यक्ति, क्या बचा अवशेष। ओ सारस्वत के भैया बालक, संसार में क्या बचा, कितनी कोठरियां बंद करके पाप कर ले जीव, पाप के हृदय को कोठरी बंद नहीं कर पाएंगे। कोई बालक शराब पीता हो, कोई बालक गुटखा खाता हो, बेटा तुम कोठरी बंद करके गुटखा खा के आ सकते हो, दांत रख के तो नहीं आ पाओगे, तुम्हारे दांत बता देंगे तुम क्या कर रहे हो। शराब पी के आए व्यक्ति, हाँ पी के आ गए हो, लेकिन दुर्गंध तुम्हारे अधरों की बता देगी। कोई सिगरेट बीड़ी पीता है, काले ओठ अपने आप बता देते हैं अधर काले हो गए तुम्हारे ऊपर, सिगरेट बीड़ी आ चुकी है।
गर्भाधान शून्य स्थान में हो सकता है, पर मां उधर लेके शून्य स्थान में नहीं जा सकती। ऐसी पाप तुम एकांत में कर सकते हो, पर पाप का परिणाम तो जगत के बीच में भोगना पड़ेगा। कितनी तुम त्यागी वृत्ति महावृत्ति बनी रहो, मित्र बहिरंग तब तक ही छुपा है जब तक पुण्य की प्रचंडता है। अंतरंग में पाप करोगे, बाहर में प्रकट हो जाएगा। इस संसार की अशुभ प्रवृत्तियां, अशुभ कर्म कुष्ठ रोगी के कुष्ठ रोग की दुर्गंध के समान है। जो भी पाप कर्म है राकेश शाह मित्र, ये पाप प्रवृत्तियां व्यक्ति कितनी छुपके कर ले, गलित कुष्ठ रोग के समान है। जैसे गलित कुष्ठ रोगी पट्टारक जी मोटे मोटे कपड़े पहन ले, कितने ढक्के रखे, लेकिन उसके शरीर की जो दुर्गंध है वो मित्र अपने आप बता देती है कि इसको गलत कुष्ठ हो चुका है। श्रीपाल जैसे सम्राट को 700 लोगों के साथ अपना नगर छोड़ के जाना पड़ गया, इतनी दुर्गंध उनके शरीर में आ रही थी, इतनी दुर्गंध उनके शरीर में आ रही थी कि नगरवासी रह नहीं पा रहे थे अंतर में। उनको नगर के वालों के उद्देश्य से अपना गांव छोड़ के जंगल में जाना पड़ गया। एक गलित कुष्ठ शरीर में उदिक भाव है, ये उदय में आया क्यों कुंतु भैया, उदय में आया क्यों? देव के प्रति, शास्त्र के प्रति, गुरुओं के प्रति अशुभ प्रणाम कर लिए, जंगलों में आग लगा डाली। माता एक समय था घर में माँ भोजन भी बनाती थी ना, तो पहले छोटू बसा, माँ भोजन बना रही है, लकड़ियों को सोध रही है, ऐसा नहीं कि झोंक दो, लकड़ियों को ईंधन को सोधती है, कोई जीव तो नहीं चला जाएगा।